अपने बच्चे को एडीजी बनाया है, किस वजह से बनाया है और क्या कहना चाहते हैं? एंटी टबक एक कैंपेन चली थी जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया, बहुत ही टैलेंटेड है हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर है। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीजों का इलाज मौजूद है और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है बीमारी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है ऐसे सपोर्टर्स की जैसे हमारे पंकज रिजवानी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके पिता हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हर्ष दुबे जी का आज का जो एडीजी का कार्यकाल है एक दिन का, वो सफलतापूर्वक ये पूरा करें, दो मेरी यही मेरी मनोकामना है। डॉक्यूमेंट भी इन्होंने साइन करेंगे, आज इन्होंने पेपर्स भी साइन किए मेरे बिहाफ पर और इनको काफी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से जोन में कार्य किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? हमको जिस तरह साइन करवाया, सम्मानित किया, बहुत खुश है। सर से भी मिलकर काफी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफी अच्छे हैं, जो हमसे फोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हाल चाल, से मिल पाए हैं, हमको आज काफी खुशी हो रही है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी आपने साइन किया है तो पुलिसिंग कैसे काम करती है भी आप समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं, काफी मेहनत का काम होता है, साइन करना चाहे हम किए हैं साइन, पता चला है।